हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्तों अभी सुबह की बज रही हैं 6 और अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में हल लगाने। और मिलते हैं आप सभी लोगों को सीधा खेत में। आप मेरे बैकग्राउंड में ये नॉइज़ सुन रहे होंगे, ये किसी चिड़िया की आवाज़ है, चहचहाने की आवाज़। सुबह सुबह आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपने खेतों में और अभी तो खैर यहीं पे हूँ। और ये खेत हमारे गांव के नीचे की तरफ पड़ते हैं, लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ, ठीक मेहरगांव के ऊपर। और यहाँ पर जो भाई जी हैं जिनके बैल हैं वो हल लगा रहे हैं अभी। तो आपको नज़ारा दिखाता हूँ मैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो नज़ारा है, सिर्फ़ इसी नज़ारे को देखने का ही मन करता है। दोस्तों आपको भी बताता हूँ मैं, ये देखिए दोस्तों, और ये जो आप खेतों के नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये फूल, इन फूलों से आजकल गदगद भरे हुए आप देख सकते हैं। हर जगह ये फूल ही फूल हैं आजकल, और चैत्र के महीने ही ये फूल खिलते हैं। ये छोटे से पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं और इन पुष्पों का इस महीने बहुत ही ज़्यादा महत्व है दोस्तों। ये जो ये पीले फूल है, और जो आने वाला फूलदेई का त्यौहार है दोस्तों, ये इन्हीं का उसमें सबसे बड़ा महत्व है फूलदेई। और अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों, डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार से इनका महत्व और इन्हीं की वजह से फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। कुछ लोग नीचे हल लगा रहे हैं दोस्तों, और काफी लोग सुबह सुबह खेतों में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आजकल धूप बड़ी तेज होती है, इसीलिए बैलों को धूप ना हो ज़्यादा, क्योंकि धूप में बैल थक जाते हैं और उन्हें सुबह जल्दी खेतों में लाया जाता है। फिर मैं माँ भी आती होगी खाना लेके। और दोस्तों आपको पता होगा, अगर आप भी अपने खेतों में हल लगाने जाते होंगे तो आपने ये एक चीज़ महसूस की होगी कि हमारी जो भूख है वो दोगुनी हो जाती है खेतों में काम करके। और यहाँ जो भी खाना लाया जाता है घर से, वो उसमें एक अनोखा ही स्वाद आ जाता है, और मतलब बहुत ही अच्छा स्वाद। और जैसे हम 4 रोटी खाते हैं तो हमारी खाने की क्षमता हो जाती है 8 रोटी। और जो सब्जी शायद हम घर पे जिसे ज़्यादा खाना पसंद ना करते हो, वो भी हमें अच्छी लगती है खेतों में। तो पता नहीं ये कैसा बहुत ही अच्छा एक अनोखा महसूस हमें होता है खेतों में, इन खेतों में वो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए किसान ताज़ा तरोताज़ा रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने खेतों से प्यार होता है। दोस्तों माँ भी आ चुकी है खाना लेके, और अभी माँ भी यहाँ पर गुड़ाई करेगी, गुड़ाई निराई, और उसके बाद जो है खाना वगैरह खाएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए दोस्तों, ये आ चुके हैं हल लगा के। ये आगे ताऊ जी हैं और पीछे बोड़ा जी। अरे पीछे हमारे मित्र, हमारे सका, भले हम उतने निपुण ना हो हल लगाने में, लेकिन ये 100% निपुण हैं हमारे सका हलिया बाबू। और भाई बंदर ही बंदर सभी जगह हो। तो दोस्तों हो चला है अब घर जाने का वक्त,
और मैं घर जा रहा हूँ, रास्ते पर हूँ, और माँ तो आती होगी, थोड़ी देर में आएगी। मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ कि क्योंकि मुझे गांव में दोस्तों के साथ कुलदेवी त्यौहार की तैयारी भी करनी है। और तो मिलता है दोस्तों सीधा भंडार भी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं पहुँच चुका हूँ भंडार में, जहाँ पर फूलदेही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि घोगा की डोली, घोगा महाराज की डोली, यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू होगा। ये देव कार्यक्रम, और यहाँ पर ये भंडार देव स्थली है नागरजा की। तो हम यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर आज जो साथी हैं, जो दोस्त लोग हैं, वो यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, दो तीन ही हैं, क्योंकि इस बार ज़्यादा लड़के घर पर हैं नहीं, कोई जॉब पे है, कोई कहीं है, और किसी के बोर्ड हैं इस बार एग्ज़ाम। तो यहाँ पर ये राहुल है और दीपू भाई, और अंदर है प्रिंस भाई। तो दिखाता हूँ आपको, सफाई कर रहे हैं दोस्तों। तो यो देखिए, ये राहुल भी आ चुका है समर्थन करने। हाँ भाई, पैन ऐप मैप बोलने तू। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर सफाई करेंगे हमेशा, हर साल की तरह। इस बार अंतर यह है कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। ये नागरजा भगवान का जो है ये कक्ष है, देव कक्ष, और यहाँ पर हम करेंगे सफाई। हम करेंगे यहाँ पर सफाई अच्छे से, पानी पहले से, पानी से मतलब पोछा मारेंगे, उसके बाद इसे सुखाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, दरी बिछाएंगे दोस्तों। यहाँ से हमारा पूरा बचपन यहाँ गुजरा है दोस्तों। बचपन में हमने यहाँ रात रात में यहीं सोते थे सब दोस्त लोग, और हमने अपना पूरा बचपन यहाँ बिताया है। तो बहुत यादें जुड़ी हैं यहाँ से, और ये यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी। और इस बार भी हम लगे हैं, तो से भीग चुके हैं, क्योंकि होली आने वाली है। इन्होंने एडवांस में ही होली मनाना स्टार्ट कर दिया, पूरी तरह भीग चुके हैं। और इसने मुझे भी भिगाने की कोशिश की, जो ये अंदर है ये महान विभूति, इसने मुझे भी भिगाने की कोशिश की, लेकिन ये रहा नाकाम। अब यहाँ पर हम ये डालेंगे निरमा। दोस्तों अंदर की सफाई तो हो चुकी है, ये भंडार कक्ष है, इसके अंदर की सफाई हो चुकी है, और जो ये चौक है, आंगन है, इसका कल करेंगे। इसमें जो है गोबर से जो है एकदम से घसाई लिपाई पुताई होगी, और अच्छे तरीके से इस आंगन को एकदम से चमका देंगे एकदम से। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कल भी यहाँ पर कुछ काम है हमें, लगातार परसों तक हमें यहाँ पर काम है। तो अभी के लिए हमने अंदर पोछा लगा दिया है, अब वो सूखेगा, उसके बाद हम वहाँ दरी बिछाएंगे। तो अब वक्त हो चला है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय बद्री चाल, जय माता दी।